नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम है धात्री और ये गांव मौजूद है सिरसागंज और सिकुआबाद के बीच में है। दादा ये सिरसागंज, हाँ, तो यहां पर कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आग जला ली है उन्होंने ठंड का मौसम है काफ़ी। इनसे चुनाव पर चर्चा करेंगे क्या है इस तरफ का माहौल। दादा क्या नाम है आपका? मेरा कृपाल सिंह यादव बोलता हूँ मुझे। अच्छा, यादव जी, आप कैसा क्या माहौल है यहाँ पर? बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यादव सिक्योरिटी काफ़ी बार परेशान हुई है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सभी दल इकट्ठे होकर के बहुजन समाज पार्टी को जिताने जा रहे हैं और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इतना गलत काम किया है हर क्षेत्र में हर जगह। क्योंकि देखिए, ये मजदूर बना दिए स्टेशन सब बेच दी, मिस्टर जो हमारे 500 आदमी काम करते थे केवल 2 आदमी काम करते हैं, गल्ला मारते हैं, हमारे लोगों को भिखारी बना दिया गया है। मेहनत पहले करते थे, वो मेहनत भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ 99 विधानसभा सिरसागंज से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप यादव समाज? जी यादव हूँ। एक बात बताइए, जैसे कि आप यादव हो, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव है, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? ऐसा उनका कार्यकाल में गुंडागर्दी माफिया गर्दी ज़्यादा हुआ करती, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का हमको शासन अच्छा लगा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकाल में हमारे 2 पुलिस वाले, एक बहन पुलिस में भर्ती हो गई थी निःशुल्क। इसमें तो पैसा लगता है, बगैर पैसे कोई काम ही नहीं होता। तो आदरणीय साथियों, हम यादव समाज के लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। सर, यादव होने के बावजूद भी आज मायावती को वोट देने की अपील कर रहे हो, अखिलेश यादव ये सोचेंगे क्या क्या नहीं, ये क्या क्यों ऐसा है? बन के माहौल में गुंडागर्दी माफिया गर्दी लूट खसोट आज हुआ करती थी और बहन जी के राज्य में कोई रूज घसोट नहीं हुआ करती थी। इस तरह के जाती तो मायावती पर ये भी आरोप लगाते हैं जाटा बोलने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मायावती जितनी जाकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पर काम करती हैं। ये गलत लोग हैं, गलत बात करते हैं, जो उनकी सोच गलत है इसलिए गलत काम बात करते हैं। मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो क्या बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल सही है, सर्व समाज को हमको जोड़ना है, सर्व समाज को जोड़ करके तभी पार्टी हाईकमान पर पहुंचाना है। और हमारा सपना है बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हुए हम आगे दिल्ली लाल किले पर झंडा फहराने बहुत जल्द जा रहे, प्रधानमंत्री की वो निगाह देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी क्या? मुख्यमंत्री बनेगी, बहन जी बनेंगी, उसके बाद प्रधानमंत्री की तब देख रहे हैं। सर, आपने कहा मुख्यमंत्री बनेंगी, मीडिया कह रही है कि BSP की 2-8 जो टीवी चैनल है जो मोदी वगैरह आप कहते हो, तो वो कह रहे हैं कि बहन जी खत्म हो गई है, उनकी पार्टी कहीं अस्तित्व नहीं बचा है। ऐसा है, जो विपक्षी दल है, जो भी विपक्षी दल है, हमारा संगठन बहुत बड़ा है। हमारा जाटव समाज, यादव समाज, ये त्यो मुस्लिम समाज, इतने बड़े जनसंख्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर है कि हम अकेले तीनों जातों से अपनी सरकार बना ले जाएंगे। अच्छा। और हम 2.25 सीटों पर लड़ रहे हैं और 2.25 में कम से कम 2 सीट जीत के हम लोग आ रहे हैं। इधर पूर्व में देखिए, पश्चिम देखिए, पश्चिम पूर्व पश्चिम देखिए, इधर देखिए, गलत भ्रांति वैसे लोग हैं ना, जो कुछ मीडिया के लोग छोड़ दिए गए हैं, बहन जी के चैनल को टीवी नहीं दिखाते हैं, पेपर में नहीं आउट करते हैं, तो गलत है ना, सरकार में चलना है इसलिए। और जो सरकार में होते तो हम लोग ऐसा करते, हमारी रैलियाँ नहीं दिखाई, बहन जी ने पूर्वांचल में कितनी रैली की है, पश्चिम में कितनी रैलियाँ की हैं, पर ये दिखाते नहीं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं, इसलिए मायावती टीवी नहीं। हम लोगों के अंदर तो मायावती है, इधर बहुजन समाज पार्टी का वोट है, बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ेगा और बहन मुख्यमंत्री बनाएगा। और 99 विधानसभा सिरसागंज पर एक हम अपना प्रत्याशी निकालने वाले हैं, हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक करके अपनी बैठक करते हुए समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी, इधर हम भारतीय जनता पार्टी घोषित कर देगी, हम ना अपना प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं कहाँ पर हमारा प्रत्याशी मिला, हम जोरदार प्रत्याशी लेकर के यहाँ बहुत जल्दी उतारने वाले हैं। अच्छा काम चल रहा है आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, योगी जी भी बहुत काम कर रहे हैं, वो लगातार दिन और रात प्रचार करेंगे, 4 लाख रोजगार दिए, यमुना गंगा और लखनऊ वगैरह तमाम जो मायावती वगैरह के शासन में बनी वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिए काम। ऐसा है, ये सब किया हुआ कार्य बहन जी का था, ठीक है, आखिर वो अब योगी जी आया, योगी जी का काम क्या है? केवल पट्टियाँ लगाते हैं, बस काम कुछ नहीं करते हैं। हमारा काम पहले से है, जैसे हमारा आगरा था, कारी रोड मालमाल हमने बनवाया था, हमारी शासन बनवाया था, तो उसमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया, कहीं कुछ आरोप पत्र दाखिल कर दिया, ये गलत है बिल्कुल। जो बहन जी का जो किया हुआ कार्य था उसे पट्टियाँ लगवाना जानते और कुछ नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि किए हुए कार्यों पर पट्टियाँ लगवा अपना नाम रोशन करें, पर जनता आज की बहुत समझदार है, जनता हर चीज़ को जानती है, पहचानती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का यह नारा है, ये बहुजन समाज पार्टी को हम लोग यहाँ से विजय बनाओ। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबा जी बताऊँगा, वैसे ही कैसे ही बता दी। मेरा नाम है चंदन गिरी। तो कैसा है, आप तो भगवा कपड़े पहने हो, योगी की तरफ जाओगे? नहीं, मायावती की तरफ जाएंगे। हम तो जाओगे?
बाबा हो, बाबा की तरफ जाइए ना। बाबा की तरफ क्यों जाए, अच्छा नहीं किया आपके। अरे क्या करो, कपड़ा पहना दे। अच्छा, पहना दें। रोजगार वगैरह आपके जो बच्चे हैं, कैसी जिंदगी जी पा रहे हैं इस साल? हमारी समाज कर रही है, हमारे कर रही हूँ, समाज से खाते पीते हैं, वो मदद कर रही है समाज ही हमारी। आना चुनाव आ रहे हैं तो योगी अखिलेश कौन को देगो या मायावती? जाए तो हमने बताया, हमने बाबा यहाँ खुले मामूल उठिए। मूड अभी बना नहीं, दादाजी का मूड नहीं बना है और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? बताइए। अरे आप बात, अरे तुम छोड़ो, नाम बताइए। मेरा राघवेंद्र सिंह है। ये बताइए ना, राघवेंद्र जी हमारे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो योगी जी जो हराएगा उसी को वोट देंगे। कौन हरा रहा है? जो जो हराएंगे मायावती और ये सपा वाले ही। अच्छा, तो किसका पल्ला भारी? पंजाब प्रत्याशी आने पर बताएंगे। चुनाव वैसे पूरे प्रदेश में आप देखते होंगे, सुनते तो यहाँ सरसागंज क्षेत्र में तो ये हरिओम विधायक आए गए भाजपा में जो सपा के हुआ करते थे। फिलहाल आपके गांव में चर्चा हो रही होंगी, हो रही है जो भाजपा को हराएंगे उसी को वोट दे। ये भी चर्चा हो रही है, ये भी चर्चा हो रही होंगी। चाय हमारे यहाँ एक और चर्चा हो रही होगी, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो तो मायावती बनेगी। मायावती बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ऐसे ही बनेगी, जैसे वोट देंगे वो उसी तरीके से वोट दे। इस बार पड़ेगा, पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्या नाम हुआ दादा? रघुवीर सिंह। क्या माहौल लग रहा है? माहौल सही है। कैसा चुनाव का? सही चल रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कौन के पक्ष में ज़्यादा माहौल है? माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ज़्यादा है माहौल। बहन मायावती जी बनेगी मुख्यमंत्री। कौन समाज से हैं? मैं तो साख समाज से हूँ। साख क्या? तो साख भी बसपा को देंगे वोट? क्यों नहीं देंगे, हमें तो जो अच्छी पार्टी लगेगी उसको देंगे। अच्छी पार्टी? हाँ, कोई गुंडागिरी नहीं, कुछ भी नहीं, स्वतंत्र जियो, आराम से जियो, गुंडाओं को थोड़ी सा वोट देना हमने। तो जैसा कि लगाया जाता है कि मायावती को बस जाट भी वोट देते हैं, ऐसा नहीं है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब मीडिया वाले दिखा रहे हैं मायावती को, जबकि अब उसकी हजारों रैली हो रही, सब कुछ हो रही है। सतीश मिश्रा जी जो हर जगह ब्राह्मण रैली कर रहे हैं, हर जगह गांव-गांव जा रहे हैं, वो कोई मीडिया दिखाती क्यों नहीं है? मायावती का कुछ दिखाती है मीडिया? क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? यही दादा हम जानने के आए हैं, जमीनी हकीकत पर, जहां पर मीडिया नहीं पहुंचती वहां पे हम चैनल यूट्यूब चैनल से हैं, तो ये जान रहे हैं कि वास्तव में मजबूत कौन है? मजबूत बहन जी है अभी। जमीन पर 10 मार्च को जब वोट खोलेंगे तब देख लेना आप लोग। और सवाल करना चाहेंगे कि जब टीवी चैनल वाले कह रहे थे कि मायावती खत्म हो गई है, तो वो टीवी चैनल वाले आपके यहाँ सर्वे करने आए या नहीं? नहीं आए। तो वैसे अपने आप बना, हमारे यहाँ कोई टीवी चैनल वाला अभी तक नहीं आया, जबकि इतना बड़ा गांव है और 8 गांव इससे लगते हैं, ग्राम समान धात्री है, यहाँ कोई मीडिया वाला अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वैसे ही हवा भाई, वैसे ही हवा भरते, कभी तो यहाँ आते नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लज्जाराम है साहब। ठीक हो आप? हाँ ठीक है साहब। कैसा चल रहा है? लाका चल रहा है साहब, हम तो बहुजन पार्टी को वोट देंगे। क्यों दोगे? क्यों दोगे, इसमें गुंडागर्दी नहीं है, यादव है या अखिलेश तो चलो कहीं तक ठीक है, और यादव हो जाए तो अपने के लंबे लंबे कुर्ता लेकर जाओ होते हैं, सो गाँव में आए गए बहन बेटे ने की बेइज्जती करते हैं, मारते हैं कूटते हैं, वो क्या करते हैं, तो यही राहू है। बहन जी के शासन में ऐसा नहीं होता? बहन जी के शासन में ऐसा कबूल ना हो साहब, जाटा उदम करते ना कोई जाटा को उदम ना करते देंगे। समाज पार्टी वो क्या कहते हैं, समाज पार्टी के जो सरकार बनती है तो हर एक थाने में दुद्ध इंस्पेक्टर रह जाते हैं, सो रिपोर्टों में लिखी जाती। मुलायम सिंह या अखिलेश की सरकार में आज तक कोई यादव, कोई इतने गुंडा भय है, कोई यादव जेल में गाओ बताओ, मुझे कोई जेल में गाओ बताओ, मंदिर फोन आएगा, दद्दा को फोन आएगा साहब, अखिलेश को फोन आएगा साहब, बेस सब छूट गए। बताओ कौन, मैं बताओ अखिलेश के सरकार में या मुलायम सिंह के जगहान में कोई भी यादव अगर जेल में गया हो तो मुझे गोली मार दीजिए। अपराधी? हाँ मैं आपको बताऊँ, अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी। अरे तो सरकार तो आपको कंट्रोल करे, तो सरकार को काम का है, सरकार को काम ये कि अपराधी पे कंट्रोल करे, जो गुनाह करता है उसकी वही जाति उसके साथ। जनता काय के ऊपर होती है, जनता जाके सरकार को, सरकार को है। अब थाने में जा रहे मऊ रिपोर्टर लिखी जा रही, दद्दा को फोन आएगा, अब गलत है। अब दरोगा चुको है, इंस्पेक्टर चुको है, एसओ चुको है, तो भी कह देते हैं हम क्या करें, मन तो फोन आएगा हमारे गोल बिस्तर रह जाएंगे, उनको डर लगा। मैंने डर लगा तू है दादा? आप कौन समाज?
मैं जाट हूँ साहब। तीन चार समाज हम तो जाट हुए यहाँ वैसे कैन अलग अलग हैं ये सब सब समाज के बैठे हैं और सर्व समाज मायावती के साथ। बिल्कुल हम मायावती के साथ हैं। हाँ माला मायावती के गले में माला अर्पण करेंगे। हमारे बाबा साहब हैं उन्होंने हमारे समझो कीचड़ में पड़े हुए थे हमको अंधकार से निकाल कर ऊपर किया। हमारे श्री काशीराम जी थे उन्होंने हमको ऊपर किया समझो। तो हमें इनका मान किएंगे मायावती के साथ हैं हम तो। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो मायावती मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बने ही साहब। तो आज हम धात्री गांव में मौजूद थे। बड़े बुजुर्ग आग जलाकर यहां पर ताप रहे थे। ठंड का मौसम है काफ़ी, चुनाव की गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। ये सब जान रहे थे क्या है चुनावी माहौल। तो गांव धात्री से जो रिपोर्ट हमने आपके बीच रखी वो आपके सामने जग जाहिर है। इनकी बातों पर कमेंट में राय देना। इन्होंने साफ कहा साग के यादव जाटव सर्व समाज के लोग बसपा के साथ हैं। आपको क्या लगता है कमेंट फिलहाल राय देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।